मैजिक मनी टेक्निक। आज की वीडियो में मैं आपको मैजिक मनी टेक्निक के बारे में बताने वाली हूँ। एंड अमेजिंग माय डियर फ्रेंड, अमेजिंग, दिस टेक्निक इज अमेजिंग। मैजिकल पावर है इस टेक्निक में। बस हम फिजिकल वर्ल्ड में जो भी ट्रेडिशनल वे हैं हम उनके पीछे भागते रहते हैं, पर हम अपने स्पिरिचुअल वे में नहीं जाते हैं, हम अपने माइंड सेट को सही नहीं करते हैं। इसकी वजह से हमारे पास लैक लिमिटेशंस रहता है, फाइनेंशियल शॉर्टेज रहती है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, मनी माइंड सेट। मीन्स अगर हम पैसे के बारे में ईर्ष्या से देख रहे हैं, या जेलसी से देख रहे हैं, या निराश हैं पैसे को लेके, फ्रस्ट्रेटेड हैं, या हम चिंता करते हैं, डाउटफुल होते हैं, या फियरफुल रहते हैं, तो पैसा, या आर्ग्यू करते हैं पैसे के लिए, या हम डिजर्विंग फील नहीं करते हैं, तो पैसा माय डियर फ्रेंड आपके पास कभी नहीं आ सकता है। कंप्लेंट्स आर पॉवर्टी एंड ग्रेटिट्यूड इज रिचेस। इस सारी प्रैक्टिस का सिर्फ एक ही सार है, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड फॉर मनी। तो जब तक कि आपके अंदर ये आई हैव इनफ और हम इसके लिए सिंसियर ग्रेटिट्यूड नहीं रखेंगे, तब तक माय डियर फ्रेंड आपके पास पैसा अबंडेंस में नहीं आ सकता है। यू विल नॉट अट्रैक्ट मोर मनी, क्योंकि जब तक हम लैक लिमिटेशंस की सोच रखते हैं, वांटिंग की सोच रखते हैं, नीडीनेस की सोच रखते हैं, तब तक हमारे जो वाइब्रेशन रहते हैं वो अबंडेंस, प्रचुरता के वाइब्रेशन नहीं रहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। सिर्फ एक दिन करना है और 3 बार करना है। सिर्फ एक दिन करके देखिए, आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे माय डियर फ्रेंड। और अगर आपको एक दिन में फायदा होता है तो आप इसको कंटिन्यू रखिए 28 डेज तक, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए रहता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। तो एक तो पहली चीज ये, दूसरी चीज ये है कि जब तक कि आप पैसे के लिए कृतज्ञ नहीं होंगे, और हमारा दूसरा जो कारण रहता है कि हमें ऐसा लगता है कि बिना काम किए पैसा नहीं आता है, ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशंस क्रिएट करता है, तो हम कृतज्ञता महसूस ही नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ को आप इस तरीके से सोचिए, ये जो एक्सरसाइज मैं आपको बताने वाली हूँ इसके जस्ट पहले आपको ये करना है, या फिर अभी आप ये वीडियो देख रहे हो इसको दोबारा रीप्ले करके देखिए, सुनिए, और इसी समय ये काम कीजिए जो मैं आपको बता रही हूँ। इस पे आपको क्या करना है, उसकी कृतज्ञता, मतलब सिंसियर ग्रेटिट्यूड, बिल्कुल हार्ट से, ईमानदारी से आपको पैसे के लिए ग्रेटफुल की फीलिंग क्रिएट करने के लिए पहले आपको ये करना पड़ेगा। तो आपको याद करना है बचपन में जब आप छोटे थे, जब आप कुछ भी अर्न नहीं करते थे तो भी आपके पास पैसा अपने आप ही आता था, या पैसे से जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो आपके पास होती थी। जैसे आपको जब कपड़े की ज़रूरत होती थी तब आपके पास आपके पेरेंट्स कपड़े दिलाते थे, आपके पास फूड होता था खाने के लिए, आपके एजुकेशन के लिए आप स्कूल आप जा सकते थे। हो सकता है कोई ऐसा भी देख रहा हो जो स्कूलिंग नहीं कर पाया हो, बट एटलीस्ट हमारे पास कहीं रहने की जगह होती थी। भले आप बाहर फुटपाथ पे भी रहते हो तो आपके पास जमीन है सोने के लिए, और जो थोड़े अच्छे हैं उनके पास छत होती थी। हमें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत होती थी तो हमारे माता पिता हमको दिलाते थे। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके लिए हमने कभी पे नहीं किया, फिर भी हमें वो सारी चीज़ें मिलती थी और हम उसके लिए ग्रेटफुल होते थे, ग्रेटफुल महसूस करते थे। हम कभी पैसे की डिमांड नहीं करते थे, हमें जो चीज़ की ज़रूरत रहती थी हम वो मांगते थे। तो आपको जब ये आप याद करोगे दिल से, तब आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, बिना काम किए भी आपकी सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, सारा पैसा जितना आपको रिक्वायर्ड है वो मिल सकता है, तब आप में वो कृतज्ञता की फीलिंग आती। तो सबसे पहले आपको यही काम करना है। नेक्स्ट चीज आपको जो करनी है, अब आपको क्या करना है, एक
इस तरीके का नोट लेना है, कोई सा भी आप नोट ले सकते हो। उसको आपको एक स्टिकर लेना है, स्टिकर। अब स्टिकर ये मैंने ऐसे ही निकाल के जो चिपकने वाले रहते हैं वो लेके इसमें लगाया है। अब इसमें आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन रिसीव्ड थ्रू आउट माई लाइफ या आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मतलब थैंक यू, थैंक यू उन सारे पैसों के लिए जो कि अब तक मैंने, जो कि अब तक मुझे दिए गए। धन्यवाद उन सारे पैसों के लिए जो कि अब तक मुझे दिए गए। ये स्टेटमेंट आपको बोल्ड लेटर में लिखना है और नोट के पीछे स्टिकर से इस तरीके से चिपका देना है। अब इस नोट को आप अपने पर्स पे रख सकते हो या अपने पॉकेट में रख सकते हो, फोल्ड करके रख सकते हो। और अब इसको आपको अर्ली इन द मॉर्निंग सो के उठते हो तब इसको पढ़ना है, और इसको आपको हाथ में इस तरीके से लेना और इस स्टेटमेंट को पढ़ना है। से थैंक यू, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। इसको हार्ट के साथ, मतलब ईमानदारी से, सिंसियर ग्रेटिट्यूड देना है कि आपके पास जितना पैसा दिया गया उसके लिए थैंक यू, थैंक यू। ये सुबह ऐसा करना है आपको और रात को इवनिंग में करना है। और अगर आप इसको अपने साथ कैरी कर रहे हो तो दिन में जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार इस नोट को निकालना है, इसको देखना है और थैंक यू बोलना है। बस यही मैजिकल प्रैक्टिस है। एक दिन में मिनिमम 3 बार तो कीजिए ही कीजिए, और मैक्सिमम आप जितनी बार कर सकते हो कीजिए। अमेजिंग रिजल्ट है और ये गारंटेड टेक्निक है, प्रूवन टेक्निक है। क्योंकि जब आप ग्रेटफुल की फीलिंग में रहते हो, आप हाईएस्ट वाइब्रेशन में रहते हो, आप मैजिकली ऑटोमेटिकली मनी को मैग्नेटाइज करते हो और फ्यूचर में मनी बढ़ने की गारंटी रहती है। आप एक दिन करके देखिए, जब हम आई एम इनफ मतलब मेरे पास इतना सारा है कि मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग कभी लैक लिमिटेशंस की फीलिंग नहीं हो सकती उस जगह जहाँ ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है। तो माय डियर फ्रेंड, ये एक्सरसाइज जरूर कीजिए आप, और ये पूरा सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। ये कमेंट बॉक्स में लिखिए, आज ही ये एक्सरसाइज कीजिए। ये मैजिक मनी एक्सरसाइज फ्यूचर में आपके पास इतना पैसा अबंडेंस के रूप में आएगा, आप यकीन ही नहीं करोगे। पहले दिन से ही ये शुरुआत कीजिए, क्योंकि इससे आप मैग्नेटाइज करते हो, ऑटोमेटिकली आप अपने अबंडेंस को इनवाइट करते हो। लोग आएंगे, अपॉर्चुनिटी आएगी, कहीं से भी गिफ्ट मिलेंगी, कुछ भी होगा, ईश्वर के रास्ते अनलिमिटेड है। आपको सिर्फ विश्वास करना है और इस टेक्निक को करना है। एंड कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिए, मैजिक मनी, मैजिक मनी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अब हम मिलेंगे कल के वीडियो में। तब तक गुड बाय।